मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, YouTube चैनल दस्तावेज ते चलदे मेरे लड़ीवार कालम किताबां बोलदियां दे तहत अज आपां गल करांगे पंजाबी भाषा दे समर्थ नावलकार, कहानीकार, कवि, अनुवादक, चिंतक ते वार्ताकार बलवीर परवाना दी चिंतन नाल संबंधित नवी पुस्तक लेखक लिखत ते विचारधारा बारे। दोस्तों, कोई संवेदनशील मनुख लेखक क्यों ते किवें बनता है वर्गा सधारण जिहा सवाल बलवीर परवाना वर्गे उस लेखक लई वड्डे अर्थ रखता है जिस दी समाजिक होंद नाल जुड़ियां विशेष प्रकार दियां आर्थिक ते समाजिक स्थितियां परिस्थितियां ने पैर पैर ते उहदे सिरड़ ते सिदक दी प्रीख्या लै के उस नूं लेखक होण दा हक दिता होवे। जदों असीं उस दी इस पुस्तक नाल मानसिक रूप 'च जुड़दे हैं ता सानू एहसास हुंदा है कि लिखण दी कला उस नूं किसे रब्बी दात वजों प्राप्त नहीं हुई ते ना ही लिखण दा कारज उस दे साहित्यक परिवारिक ते खानदानी पछोकड़ नाल जुड़िया होया। पुस्तक दसदी है कि समकाल नाल उस दे संबंध बड़े टकरावपूर्ण ते तनावपूर्ण रहे ने ते इन्हां टकरावां ते तनावां चों गुजरदियां जिस प्रकार दियां मनोस्थितियां उहदे अंदर पैदा होईयां, जिस प्रकार दे मनोभाव उस अंदर पैदा होए, उही उस दियां लिखतां दा साहित्यक आधार बणदे ने। पुस्तक ये भी स्पष्ट करती है कि कोई लेखक समकाल नाल अपने टकराव समय अपनी ते अपने पात्रां दी संभावी जित बारे जिन्ना आसवंद है, जिन्ना विश्वास रखता है ते अपने समकाल नूं जिहो जे भविखमुखी दिशा देना चाहता है, जिहो जिहा इच्छित यथार्थ सिरजना चाहता है उस दे मुताबिक ही उस दियां लिखतां दा विचारधराई आधार बनता। दोस्तों, अपनियां लिखतां च कार्यशील विचारधारा दे लोकपक्षी ते मनुखतावादी सरोकारां नूं उघेड़न लई बलवीर परवाना ने इस पुस्तक नूं मुख रूप च चार भागां च वंडिया है। पुस्तक दा पहला भाग उस दी सिरजन दृष्टि दे पिछोकड़ च जा के इस विश्लेषणी सिट्टे नूं उभारदा है कि हर लिखत लेखक वालों समाजिक, आर्थिक ते सभ्याचारक स्थितियां परिस्थितियां बारे कीते उस दे अध्ययन अनुसार ही अपनी साहित्यक होंद ग्रहण करती है। परवाना मुख तौर पर गल्पकार है, इसलिए वो अपनियां कहानियां दे अपने नावलां दे पात्रां बारे इस पुस्तक च विशेष तौर पर चर्चा करता है। एक लेखक दे अपने पात्रां नाल किहो जिहा संबंध होने चाहीदे ने ते परवाने दे संबंध किहो जिहे ने इस बारे इस पुस्तक तो भली भांत जाणिया जा सकता है। परवाने दा मनना है कि कोई भी गल्पी लेखक अपनी कहानियां लई अपने नावलां लई
अपने समाजिक चगिरदे चों पात्रां दी चोण करन लई पूरी तरह सुतंत्र है, अपनी मर्जी वरत सकता है। पर जदों वो इन्हां पात्रां दी चोण कर ले तां पात्र कई बार उस तों सुतंत्र हो जांदे ने। ते लेखक तो मंग करते ने कि उसनू कि उन्हां नू उन्हां दा यथार्थ उन्हां दी मर्जी अनुसार हना लैण दिता जावे। लेखक उन्हां नू अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता, ते वो कई बार लेखक नू अपनी इच्छा अनुसार तुरन लई मजबूर कर देंदे ने। कहानियां दे नावलां दे पात्र लेखक दे सुपनियां दे वाहक जरूर हुंदे ने, पर ये वाहक बनदे अपनियां शर्तां ते अपनी मर्जी अनुसार ने। उन्हां नूं कठपुतली वांग वरत्या जे पहला वरतदे रहे है, हुण दौर बदल चुकिया है, उस तरह उन्हां नूं नहीं वरत्या जा सकता। दोस्तों लेखक दी विचारधारा भी समय अनुसार बदलाव आउंदा है। किसी समय परवाना अपने कॉलेज समय च इश्कियां कवितावां लिखता रहा सी, पर कम्यूनिस्ट आधार वाले अपने पिंड दे लोकां नाल ते उन्हां वल्लों हटाए जा रहे मुश्किलां भरे जीवन नाल जदों उहदा वाह पिया, उहदे बारे सुचेत होया, तां उसदी विचारधारा च वी बहुत वड्डे बदलाव आए। बहुत कुछ उसने पढ़िया, एंगल्स डार्विन ते फ्राइड दे अध्ययन ने उस नूं अपने पात्रां दे धुर अंदर झाकण दी जांच सिखाई, उन्हां नाल न्याय करन दी जांच सिखाई। सो इन्हां सारियां गल्लां बारे असीं इस पुस्तक राहीं जाण सकदे हैं। भावें उसने साहित दे खेत्र विच कहानियां कवितावां ते चिंतनी वार्तकां भी वड्डा योगदान पाया है, पर उस नूं वधेरे मानसिक संतुष्टी नावल वर्गी वाढकारी गल्पी विधा नाल जुड़ के ही मिलती है। असल च वह जिंदगी दे समुच नूं समझना चाहुंदा है, अपनियां लिखतां च समेटना चाहुंदा है, ते उस नूं लगदा है कि होर विधावां दे मुकाबले नावल वर्गी वाढकारी विधा ये कारज वधेरे सफलता नाल कर सकती है। असीं उस नावलां राहीं उस दी लिखतां बारे, लिखतां दी विचारधारा बारे ते इस विचारधारक दी अग्गे दृष्टि बारे भली भांत जाण सकदे हैं। पुस्तक नूं इस छोटी जिही वीडियो च समेटना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस वीडियो दा एक निश्चित समां निर्धारित है। आपां परवाना दीयां लिखतां ते उहनां दी विचारधारक बारे किसी प्रिंट परचे च विस्तार नाल गल करांगे। अजे इस पुस्तक दी जिहड़ी मुढ़ली जानकारी दे नाल मैं इस दा भरवां स्वागत करदा।